नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 18वां लेक्चर पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सिट्रस ग्रुप की एक क्रॉप है जिसका नाम है स्वीट ऑरेंज, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हीं के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वीट ऑरेंज देखने में कैसा होता है। ये मैंडारिन जैसा होता है, ठीक, जैसे संतरा होता है, संतरे जैसे ही ये भी होता है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, स्वीट ऑरेंज कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस इसका बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी होती है रूटेसी, ठीक। जितने भी स्वीट ऑरेंज, जितने भी ऑरेंज ग्रुप की क्रॉपें, यानी सिट्रस ग्रुप की जितनी भी क्रॉपें हैं सबकी फैमिली रूटेसी ही है। ओरिजिन प्लेस इसका चाइना है, ठीक। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, चाइना। जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस का मतलब चाइना, ठीक। साइनेंसिस लिखा है तो चाइना ही मेनली होता है। किसी भी क्रॉप के आगे अगर सिट्रस साइनेंसिस या कोई भी स्पेसिफिक साइनेंसिस लिखा है तो इसकी ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ हो, चाइना हो। अब देखो, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इज कॉमन इन सिट्रस, इट इज ड्यू टू द प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है। यानी कि हमको तुड़ाई से पहले ही, जब हम तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई से पहले ही जो फल होता है ये पौधे से टूट के गिर जाता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा दो कारणों से होता है। पहला है फिजियोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है कि उसके प्लांट जो है, उसके प्लांट में कोई इम्बैलेंस ही हो गई है, ठीक। चाहे न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया हो, चाहे टेम्परेचर, ठीक, या इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट पड़ रहा हो, ठीक, या अभी वाटर की कमी हो रही, वाटर से स्ट्रेस हो जाए, या अभी तेज़ी से हवा चल जाए, तो इस तरीके से गिर सकता है, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। दूसरा पैथोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि कोई उसमें डिजीज लग गया है, किसी इंसेक्ट ने काट दिया है, ठीक, तो इस तरीके से भी ये गिर जाता है। अब देखो, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का 20 ppm का घोल बनाते हैं और इस घोल को हम छिड़काव कर देते हैं किस पे, प्लांट पर, जिससे प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप ना हो। इसकी जो मोस्ट प्रोन वैरायटीयां हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसमें प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है, वो वैरायटी है एक मौसम्बी है और एक ब्लड रेड। ये जो दो वैरायटीयां हैं, इसी को प्री हार्वेस्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, यानी कि इसमें फल बहुत टूट टूट के गिरते हैं, ठीक। अब डिग्रीनिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट इज डन बाय कैल्शियम कार्बाइड। डिग्रीनिंग जो होता है इसको हम कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा करते हैं। देखो, सबसे पहले समझो कि ये स्वीट जो ऑरेंज है, इसी स्वीट ऑरेंज को हम मौसम्बी बोलते हैं, ठीक। जो मैंडारिन होता है, मैंडारिन को हम संतरा कहते हैं हिंदी में, ठीक। मैंने अभी जब मैंडारिन पढ़ा था तो मैंने कहा था इसको याद कर लेना, इसको संतरा कहते हैं हिंदी में। और ये स्वीट ऑरेंज है, इसको हम मौसम्बी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक जो वेराइटी है मौसम्बी, ये सबसे ज़्यादा फेमस वेराइटी है किसकी, ऑरेंज की, ठीक। अब देखो, तो जो ये मौसम्बी जब पक जाता है, तो पकने के बाद भी इसका जो छाल होती है ऊपर का, इसका जो कवर होता है, ये हमेशा हरा ही बना रहता है। तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये पका नहीं है। अगर हरा हरा रहेगा तो देखने में ऐसा लगेगा कि पका नहीं है। तो क्या किया जाता है कि इसको डिग्रीनिंग करते हैं, कि मतलब ये जो हरा हरा है ये पीले कलर का हो जाए, पीला, या फिर धीरे धीरे ऑरेंज कलर में ये कन्वर्ट हो जाए, जिससे हमको ये दिखाई देने लगे कि हाँ ये पक गया है। खैर, उससे कोई मतलब नहीं होता है कि ग्रीन है तो पका है कि नहीं पका है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कच्चा जो रहता है वो भी हरा हरा रहता है, और जो पक गया है वो भी हरा हरा रहेगा, तो हम उसको सही से मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इसमें डीग्रीनिंग भी करते हैं। जब पक जाता है तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड के घोल में डाल देते हैं, और इसी से फिर ये क्या हो जाता है, इसके अंदर डीग्रीनिंग होने लगती है। डीग्रीनिंग यानी कि धीरे धीरे वो पीला हो जाएगा, तो देखने में लगेगा कि हाँ अब ये पक गया है, ठीक। उसके बाद फिर बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग, इसके जो प्रूनिंग का सबसे अच्छा टाइम होता है
वो विंटर के अंत में और बसंत ऋतु के स्टार्ट में, यानी कि जब उसकी फ्लावरिंग आनी होती है, तो फ्लावरिंग आने के एक महीने पहले हमने क्या करना होता है, हम इसमें प्रूनिंग कर देते हैं, जिससे फिर नई नई ब्रांच निकलती है और नए ब्रांच पे ही फिर नए नए फ्रूट लगते हैं। अब स्वीट ऑरेंज इज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग एंड फाइटोथोरा रॉट। जो स्वीट ऑरेंज होता है क्रॉप, ये क्रॉप वाटर लॉगिंग के प्रति ससेप्टेबल है, यानी कि अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो इसमें फ्रूट ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, पत्तियाँ वत्तियाँ झड़ने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। और फाइटोफ्थोरा एक प्रकार की रॉट डिजीज़ होती है, ये डिजीज़ भी इसमें बहुत लग जाता है, तो ये क्या होता है, ये फंगल प्रकार की डिजीज़ होती है। सो वाटर स्टेग्नेशन इन ऑर्चर्ड शुड बी अवॉइडेड, इसीलिए जो ऑर्चर्ड है उसमें पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए, यानी कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और फाइटोफ्थोरा ज़्यादातर आएगा कब, जब ढेर सारा पानी हरदम भरा रहेगा, तो फाइटोफ्थोरा का क्या होगा, इन्फेक्शन प्लांट पर हो जाएगा। अब इसमें जो बेस्ट इरिगेशन का मेथड है, इसमें इरिगेशन का सबसे अच्छा मेथड माना जाता है डबल रिंग मेथड। डबल रिंग का मेथड मतलब समझ पा रहे हो, एक रिंग तो ये वाला है और एक दूसरा रिंग ये वाला है, ठीक। अब इन्हीं दोनों रिंग के बीच में ये जो जगह बच रही है, ये वाली जगह, इसी जगह में हम क्या करते हैं, इसी जगह पर हम पानी भर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्लांट के स्टेम के पास भी पानी नहीं पहुंचता है, प्लांट के स्टेम के पास पानी नहीं पहुंचता, इसीलिए जो फाइटोफ्थोरा रॉट लगने वाली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इसमें लगेगी नहीं। और उसके साथ साथ धीरे धीरे यहाँ से पानी सोख सोख के और पानी यहाँ पर भी चला जाएगा सीपेज के थ्रू, ठीक, यहाँ यहाँ भी आ जाएगा, तो इसीलिए हमको आसानी से, इसीलिए प्लांट को आसानी से पानी मिल जाएगा और प्लांट के डायरेक्ट कंटेक्ट में भी पानी नहीं आएगा, ठीक। तो इसी को कहते हैं डबल रिंग मेथड। अगर रिंग मेथड केवल होता तो ये किनारे वाली ये रिंग होती और ये बीच वाला जो ये वाली इतनी मिट्टी दिख रही है, ये मिट्टी ना होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंग मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, डबल रिंग मेथड। अब देखो, डिफिशियंसी ऑफ जिंक अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन इज मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ऑफ स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज में जिंक की डिफिशियंसी और जिंक के साथ साथ नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी होती है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक। अब पाइनएप्पल एंड वैलेंसिया इंडिकेटर ऑफ ग्रीनिंग। पाइनएप्पल और वैलेंसिया जो होता है, इनकी एक वैरायटी है, पाइनएप्पल एक वैरायटी है और क्या है, वैलेंसिया भी एक वैरायटी। अभी तक हमने चार वैरायटी पढ़ी, एक ब्लड रेड पढ़ा, एक मौसम्बी पढ़ा, एक पाइनएप्पल पढ़ा और एक वैलेंसिया पढ़ा। ये चार वैरायटी हमने पढ़ा, जिसमें से ये दो वैरायटी पाइनएप्पल और वैलेंसिया जो हैं, ये इंडिकेटर ऑफ ग्रीनिंग, यानी कि ग्रीनिंग की इंडिकेटर होती हैं कि हाँ, इसमें अब ग्रीनिंग से अब ये धीरे धीरे पीला होने लगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अब ये पकना शुरू हो गया है। जब ये ग्रीन से धीरे धीरे पीला होने लगेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ, अब ये मैच्योर स्टेज में पहुंच रहा है, ठीक। अब इसकी देखो वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी एक वैरायटी है हामलिन, ये अर्ली वैरायटी है एक। उसके बाद जफ़ा, ये मिड सीजन की एक वैरायटी है। उसके बाद पाइनएप्पल, मिड सीजन वैरायटी है। पाइनएप्पल देखो बड़ा कन्फ्यूजिंग सी वैरायटी है, इसको याद कर लेना बहुत कायदे से। पाइनएप्पल किसकी वैरायटी है, स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है। उसके बाद फिर वैलेंसिया, ये लेट सीजन वैरायटी है, ठीक। वैलेंसिया जो है ये लेट सीजन वैरायटी है, नाम से भी याद कर सकते हो, बैलेंसिया, यानी कि बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो जो कुछ बैलेंस गड़बड़ हुआ रहेगा उस बैलेंस को वो ठीक ठाक कर देगा, लास्ट में आएगा लेकिन वो बैलेंस बना के फिर जाएगा, इसीलिए बैलेंसिया को कैसे याद कर सकते हो, लेट सीजन वैरायटी को। और मौसम्मी, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है महाराष्ट्र में, और वेस्ट रूट स्टॉक इसका जो होता है रंगपुर लाइन। इस मौसम्बी वाली जो वैरायटी है, इसको जब हम ग्रो करते हैं तो इसके लिए एक रूट स्टॉक की आवश्यकता होती है, अगर हमको सही से ग्रो करना है तो इसके लिए रंगपुर लाइम जो रूट स्टॉक है, ये सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक। मौसम्बी बड़ी फेमस वैरायटी है, कहाँ की है, महाराष्ट्र की, इसीलिए इसके जो स्वीट ऑरेंज क्रॉप है, इसी को हम मौसम्बी कह के ही बुलाते हैं, ठीक। अब सतगुड़ी, ये मोस्ट पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश बेस्ट रूट स्टॉक रफ लाइम। ये क्या होता है, सतगुड़ी जो होता है ये एक वैरायटी है, कहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलर है, ये आंध्र प्रदेश में। इसके लिए सबसे अच्छा रूट स्टॉक है रफ लाइन। अगली वैरायटी है ब्लड रेड। ब्लड रेड जो वैरायटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में। इसके लिए सबसे अच्छा जो रूट स्टॉक होता है वो है कर्नाटका और जट्टी खट्टा, और
सॉरी कर्नाटका नहीं, गड़बड़ है, पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं रहा था, ये करना खट्टा है, ठीक, करना खट्टा और जट्टी खट्टा, जट्टी खट्टा और करना खट्टा ये ब्लड रेड के लिए सबसे अच्छे रूट स्टॉक माने जाते हैं। फिर अगला है समौती, ये एक प्रकार की सीडलेस वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी कैसी है, कौन सी, समौती, इसको याद कर लेने, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ स्वीट ऑरेंज की है। फिर वाशिंगटन नोवेल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद फिर वेटा वाइन, वेटा वाइन एक है और एक विटल वाइन है, वेटा वाइन और विटल वाइन, देखो विटल वाइन पान को बोलते हैं, पान की जो पत्ती होती है जो पान खाते हैं उसको हम विटल वाइन बोलते हैं, और ये क्या है, वेटाविन, वेटाविन और विटल वाइन, तो कन्फ्यूज ना होना, तो वेटाविन किसकी वैरायटी है, विटामिन स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है, जबकि वेटल वाइन जो है वो पान होता है। अब मुकुंद, ये बर्ड म्यूटेंट ऑफ नागपुर मंडारिन, नागपुर मंडारिन जो एक वैरायटी थी उसी के ये बर्ड का म्यूटेशन करके बनाया गया, उसके बर्ड में म्यूटेशन होकर क्या बना था, मुकुंद वैरायटी बनी थी। तो आज के लिए केवल इतना ही, स्वीट ऑरेंज आपकी जो वैरायटी थी ये ख़त्म हुई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।